अगर हम पे कोई छोटा मोटा दुख भी आ जाता है तो रोते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, मिन्नतें मांगते हैं कि हे ईश्वर मुझे इस दुख से उबारो, तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, नारियल चढ़ाऊंगा, कन्याओं को भोजन कराऊंगा, कन्याओं को मीठा खिलाऊंगा, गरीबों को दान करूंगा, वगैरह वगैरह। बस इतना सा ही विश्वास है अपने ईश्वर पर, अपने सदगुरु पर। अरे हमें क्या पता कि कितनी बड़ी पहाड़ जैसी मुसीबत आने वाली थी हम पर, जिसको सदगुरु ने एक छोटे से राई के दाने जितनी मुसीबत में तब्दील कर दिया, हाथी जितनी मुसीबत को चींटी जितनी बना दिया। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, और फिर हमें अपना कर्मों का लेखा जोखा भी तो खत्म करना है ना। विश्वास को बिल्कुल भी डगमगाने नहीं देना है। भगवान को सब खबर है कि हमारे साथ क्या और क्यों हो रहा है। फिर हम ये सोचने वाले होते ही कौन है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, जबकि हमारे साथ खुद दो जहाँ के मालिक इंसान के रूप में खड़े हैं। जरूरत है अटूट विश्वास की, अटूट आस्था की, अटूट सिमरन की झड़ी की। फिर देखिए हमारी समझ को कैसे समझ आ जाएगी। हम शिकायत करते हैं कि गुलाब की झाड़ियों में कांटे हैं, या खुश हो सकते हैं कि कांटों की झाड़ियों में गुलाब है। हमारी खुशी हमारी सोच पर निर्भर करती है। जय श्री कृष्ण।